असलामुअलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों से भी दुआएं करती हूँ कि जा रहे हैं, खुश हैं, आबाद हैं और जो गम परेशानी अल्लाह की दूर करे, आमीन सुमा आमीन। तो आप लोगों ने ढेर सारी दुआएँ हैं और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो बस आपको मैंने दिखाया था अपना जामन का दरख्त, दिखाया था माशाल्लाह बहुत बड़ा है, और मैंने आपको दिखाया था कि बस जामन जब उतरेंगे वो भी आपको दिखाऊँगी, आप लोगों को शेयर करूँगी। तो बस जामुन के दस्त की वजह से बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। गंद का मकसद ये जो एक्स्ट्रा होता है वो मैं झाड़ू देके डस्टबिन में डाल लेती हूँ, और जो साफ साफ अच्छे से जामुन होते हैं उसको धो के मैं रख लेती हूँ, बच्चों में खाते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतने माशाल्लाह मीठे मीठे और इतने अच्छे अच्छे फलों से मतलब हमें नवाजा है। तो जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो बस सफाई कर ली है और बस थोड़ी सी सफाई रह गई है। तो मैंने क्या बच्चे उठने वाले हैं, बच्चे उठ गए, दो तो उठ गए हैं, तो बाकी ये है कि पहले मैं काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को ट्रेन में, बच्चे उठते हैं तो फिर नाश्ता बनाती हूँ। और नाश्ता ये है कि हैंडविच जो मैं है वो पराठा खाते हैं, बच्चे नान और चने खाते हैं। तो आज आपसे नाश्ते की रूटीन शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से जो मेरे हैं व्यूअर्स देखने वाले हैं उनको मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ये मैं रूटीन बना रही हूँ आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो बाकी आप बाकी देख लेंगे, साफ कर लिया मैंने पूरा सैन, साफ कर लिया माशाल्लाह से, सैन साफ कर लिया है, पूरे घर की सफाई कर ली है। और ये देखिए सैफुला हो रही है, ये ब्रश कर रहे हैं, मुँह धो रहे हैं, और माशाल्लाह घर का सारा काम भी हो गया है। और इतना है ये सैन बन रहा है, अल्लाह का शुक्र है काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। सब बच्चे भी उठ गए, उनको देते हैं नाश्ता, और आज का आपको नाश्ता अपनी जो हम नाश्ता करते हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। माशाल्लाह काम भी मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरी क्या रूटीन है नाश्ते से पहले की, वो आप लोग से शेयर किए। जी सैफुल्ला लेने जा रहे हैं नाश्ता, क्योंकि चने और नान खाते हैं, जितने दिन इनके स्कूल की छुट्टियां रहेंगी ना तो ये खाएंगे चने और नान, और इनके बाबा खाते हैं पराठा, तो उनके लिए पराठा बनाऊंगी। तो आप ऐसा करो सैफुल्ला सलाम कीजिएगा पहले। वालेकुम सलाम, आराम से जाना, आराम से आना, ठीक है, साइकिल तेज़ नहीं चलानी, और नान और चने ले आओ, इतनी देर में मैं चाय बनाने रखती हूँ, ठीक है। नाश्ता लिया आप? और वैसे गैस भी नहीं आ रही, अब क्या करें, चने और नान आ गए, गैस तो बिल्कुल इतना गैस से तंग किया है ना, आके चाय बनाने के लिए मैंने कटोरा निकाला, उसमें चीनी पत्ती डाली, दूध डाला, तो अब जब ये ऑन किया चूल्हा तो ये भी ऑन नहीं हो रहा। तो बस बच्चे तो वैसे भी चाय नहीं पीते, मेरे हस्बैंड और मैं ही चाय पीते, तो बस बच्चों को देते हैं नाश्ता, क्योंकि इन्होंने जाना है ट्यूशन, और ट्यूशन जाना है इनको, ट्यूशन को देर हो रही है, 11 बजे चले जाएँगे, तो इनको नाश्ता दे के फारिग करते हैं। और जी आज का हमारा है जी नान और चने, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इन नेमतों से नवाजा, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और हमारे यहाँ जो मुल्तान के ये चने और नान है बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और ये मैंने रख दिया अपने लिए, मैं बाद में कहूँगी, अभी मेरी थोड़ी बहुत सफाई रहती है, बस बच्चों को दे दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना है, मैं ज़रा फ्रेश होंगी और घर के थोड़े बहुत और काम रहते हैं, इनको देर हो रही है, अब इनको डाल के देते हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह से चने, ये देखिए कितने मज़े के चने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह,
तो इसको बाहर चपाई पे रखते हैं और बच्चों को देते हैं। चलो सैफुल्ला यहाँ उठाओ, नान उठाओ, मैं चने लाती हूँ, चलाओ भाई आ जाओ। नहीं लाओ बैठो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है फिर आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? आप लोगों को डेली बताना पड़ता है, तो मेरे बच्चों के साथ बैठो, टाइम ऑफ करके तो माशाल्लाह माशाल्लाह जिस बहन भाई ने आना है हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। हम कर रहे हैं नाश्ता, ये थी हमारे नाश्ते की रूटीन, और इसके बाद थोड़ा सा थोड़ी सी और वीडियो आपको देखनी होगी। तो नाश्ते के दौरान या खाने के दौरान बात नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गुनाह होता है, और खाने को इंतजार नहीं करवाना चाहिए जब खाना सामने आ जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी व्यूअर्स, मेरे बच्चे और मैं, हम नाश्ता कर रहे थे यहाँ बैठे, मैंने आपको दिखाया भी था कि हम नाश्ता करें, हमने नाश्ता किया और मैंने बर्तन किचन में रखे। अभी मैं बर्तन किचन में रख के आई, हमने कमरे में भी बच्चों के पीछे मिलकर चले, आपके ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो इतनी बुरी आवाज़ आई, इतनी बुरी आवाज़ आई, हम ना भागे आए भाड़ लेके, क्या चीज़ गली गई, गिर गई, हवा भी नहीं चल रही, कोई आंधी भी नहीं है। तो ये देखिए जी, दिखाएँ, ये जी हमारा जामुन का इतना बड़ा टहना ये गिरा ऊपर से, वो दिखाएँ, ये इतना जामुन का इतना बड़ा टहना ये गिर गया, और ये देखें इतना सहन में, अभी मैंने आपके सामने कितनी सफाई की थी और झाड़ू लगाई थी, मैंने आपको दिखाया है, देखें मैंने सहन साफ़ कर लिया, साफ़ सुथरा हो गया, और ये देखें इतने जामुन, देखें हमारे घर के बच्चे हैं, और ये आपको दिखाऊँ जामुन, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, इतने मीठे जामुन हैं हमारे घर के हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे दिखाऊंगी, तो बस ये अभी बच्चे सारे जामुन दिखाओ, बच्चों अपने शॉपर, ये देखो बच्चों के शॉपर दिखाएं, ये माशाल्लाह ये देखें, ये शॉपर इन्होंने जमा किए हैं, वो देखें मुस्तफ़ा का देखें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्चे तो खुश हैं, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है कि मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ेगी, और दुकान भी बहुत ज़्यादा मुखी है, मैंने बच्चों से यही कहा है कि आप ना ये जामुन उतार लो, तो फिर आप बाहर उठाया, फिर आप गंदगी जगह ना बाहर छोड़ के आना, कहीं अच्छी सी जगह पर ना छोड़ के आना, अभी बच्चे लेके जा रहे हैं, तो बस ये जामुन मैं धोऊंगी और फ्रिज में रखूंगी, और जिसे जिसने खाना खाया ताकि बिस्मिल्लाह करे। तो बस ये है कि ये वीडियो थी आज की, आज इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसमें और भी जामुन लगने थे और भी हमें फल मिलता, लेकिन क्या करें जिसमें अंदर की मर्जी होती है। तो ये दिखेंगी माशाल्लाह के बच्चे अभी भी निकाल रहे हैं, खुश है, खुश हो गई बच्चों, लेकिन बच्चे खुश हैं, इनको जामुन मिल गए, फ्री में जामुन मिले, तो इसको डेली में पानी देती हूँ जामुन की तरफ, तो डेली माशाल्लाह माशाल्लाह, और देखिए कितना अच्छा फल दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज का ब्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा, वैसे तो मेरे नाश्ते की रूटीन की मिलता था, नाश्ता रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, तो नाश्ते की रूटीन में अगर इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया, मैंने दिखाऊँ अपने व्यूअर्स को कितना बड़ा नुकसान हो गया, मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा खफा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कितना प्यारा टहना था सर सब, और ये फेंक के आएंगे बच्चे। तो अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया तो आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, आपकी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे फैमिली कॉन्टेंट मैं आपको दे सकूँ। दोनों मोहब्बतों के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकर जा रहे हैं, मैंने कहा इनको ले जाएं, क्योंकि सहन में बहुत ज़्यादा देखें गंद हो गया है, और ये देखें जी ये हमारे घर के बच्चे हैं, आप हटें, तो ये देखें जी मुस्तफ़ा, उज़ैफ़ा, और वहाँ से, और ये सब बच्चे देखें ज़रा, उनसे पकड़ा भी नहीं जा रहा, तो देखें, हाँ ऐसे ऐसे लेके जाओ, सही सही, ये देखें ज़रा ये जा रहे जामुन के, देखिए मैंने अभी सफाई की थी, मुझे इतना दुख हो रहा है ना, इतना गंद मच गया दोबारा से, इतना साफ़ सुथरा हो गया था घर, और बस ये देखें, बस अल्लाह के काम है, अल्लाह बेहतर जानते हैं अपने कामों को, तो बस अब दोबारा से सफाई करती हूँ आपसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे सलाम दुआ तो वैसे कर ली थी मैंने, दोबारा आपको गंद दिखा देंगे, ये देखें घर में दोबारा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे दोबारा इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।